ऑक्सीजन को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसका आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे देखने को व्लॉग्स मिलेंगे। तुझे पता है तू हारने वाली बाजी खेल रहा है। मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊँ ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे और बिना वर्दी के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। हम बिल्कुल ठीक है यार। और आजकल पुष्पा का रिएक्शन और ट्रिपल आर का हमारे मतलब होता ही होता है, क्योंकि एक तो उसकी वीडियोस आ जाती है और हमें इतनी शुरू से पसंद आ रहे हैं फर्स्ट लुक से ही कि हम कहते हैं कुछ भी मिस ना करें उसका। तो कल आप लोगों ने हमें बताया कि पुष्पा का एक नया ट्रेलर आ गया, क्योंकि ये OTT पर रिलीज़ हो रही है 14 तारीख को हिंदी में, और काफ़ी एक्साइटमेंट है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आप हमारे साथ इसको देखें। खैर वो तो अभी बहुत मुश्किल है, बट हम फिगर आउट करेंगे कि वो देख सकते हैं या फिर सीन्स का कुछ फिगर आउट करेंगे, लेकिन वो फ्यूचर में आपको पता चलता रहेगा। फिलहाल हम इसका एक नया ट्रेलर जो कि अमेज़ॉन प्राइम वालों ने रिलीज़ किया है, और आई होप कि जो हमने देखे हुए दो ट्रेलर्स उससे कुछ डिफरेंट हमको देखने को मिले, क्योंकि हम जितना भी अल्लू अर्जुन की इसमें एक्टिंग देखते हैं ना तो हमें और अच्छा लगता है। और देखने के बाद इस पर करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। भागो भागो बकरे, भागो भागो बकरे, शेर आएगा कर देगा टुकड़े, शेर आया तो करेगा टुकड़े। आहा, कौन है ये? दो कोड़ी का मजदूर है। अटावे पार्टनर पुष्पा कर लगा। कौन है तेरा मालिक? पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं। अच्छा, सिंडिकेट का सारा काम पुष्पा ही संभालेगा। तुझे पता है तू हारने वाली बाजी खेल रहा है। मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊँ ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे और बिना वर्दी के। बात आगे तो नहीं बढ़ी ना। एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। बद से आगे बढ़ गए। स्टाइल है यार। अपना आने वाला कल बहुत बिराइट लग रहा है। बिराइट यार, डिफरेंट ट्रेलर था और मजा आ गया है। शुरू में स्टार्ट होता है, वो सारे लोग पीछे होते हैं, स्टार्ट होता है भागो भागो बकरे, भागो भागो बकरे, शेर आया तो कर देगा टुकड़े। हाँ, वो गाना भी था जागो जागो बकरे। हाँ। ना तो उसके बाद फिर कहते हैं कौन है, वो एक मजदूर है। फिर पुलिस वाला पूछता है जो हमने पहले भी देखा था, कौन है तेरा मालिक? मालिक के बाद वो ही दिखाते हैं जेल में उनको मार रहे हैं, उनसे पूछवाने के लिए किसी की औकात नहीं है मेरा मालिक बनने की। और बीच में उनका दिखाते हैं रश्मिका के साथ उनकी शादी का दिखा रहे हैं, वो उनसे पूछती हैं कि बात बड़ी तो नहीं, उसके बाद कहते हैं नहीं, फिर वो पुलिस वाले के साथ सारा सीन दिखा रहे हैं। अच्छा, बड़े मज़े का एक सीन आता है कि अगर मैं, वो कहते हैं अगर मैं अपनी मतलब उन्होंने सिर्फ अंडरवेयर पहना है दोनों ने, कहते हैं अगर मैं इस हाल में भी बाहर जाऊँ तो लोग मुझे पुष्पा बोलेंगे, लेकिन तू अगर इस हाल में बाहर जाएगा तो जो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। और वो बेहाल से पुलिस वाले कुत्ते को गोली मारता है, कोई ऐसा सीन नहीं आता। और पुलिस वाले का रोल फहद फासिल ने प्ले किया, और जिस तरह से उनके एक्सप्रेशंस हैं बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस हैं। फिर और सीन आता है इनकी और रश्मिका की शादी हो रही है, वो उनसे पूछती हैं कि बात बढ़ी तो नहीं, वो कहते नहीं बल्कि हद से बढ़ गई। उसके बाद एक गाड़ी बॉम्ब के साथ उड़ती है। एक्शन सीक्वेंसेस आते हैं, पुष्पा का वो स्टाइल जो ट्रक पे खड़े हैं, टांग पे टांग रख के बैठे हैं, और नेक्स्ट लेवल स्टाइल है। फिर वो गाना है कभी आया ए बिड्डा, उसका भी मिक्स ग्लिम्पसेस आए हैं। अच्छा, एक और लड़की बीच में दिखाई है ना, छोटे-छोटे बालों वाली, जिसने एक कत्ल कर दिया, वो पता नहीं कौन है। हाँ। एक सीन में वो ये भी बोलते हैं मेरे को अपना आने वाला कल बहुत बिराइट लग रहा है। बिराइट लग रहा है, तो बड़ा मजे का वो शीर्ष तलपड़े ने इनकी डबिंग भी की है। बहरहाल यार, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, और अमेज़न वालों ने इस ट्रेलर को इसलिए रिलीज किया है कि हिंदी में वो लेकर आ रहे हैं इसको OTT पर, और पता नहीं क्यों इतनी एक्साइटमेंट है कि ये मूवी तो डेफिनेटली हमारी लिस्ट में है। जिस तरह KGF हमने कहा था हम किसी भी तरह मिस नहीं करेंगे, और किसी भी तरह हमने उसको देख लिया था तो हमारी लिस्ट में है। मतलब चैनल पे वो सब्सक्राइब करें, हम आपको बताते रहेंगे कि मूवी का देखने का प्लान है या उसके सीन्स का देखने का, जो भी प्लान है हम आपको बताते रहेंगे। रिएक्शन अच्छा लगा तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे ब्लॉग चैनल को जाकर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इसी तरह हम आपके लिए नए नए रिएक्शन लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।